हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। यादवगण को आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको देखिए मेरे बहुत सुंदर प्लांट जो पूरी तरह से खिल चुके हैं, गुलदावरी के, क्रिसेंथम, और बहुत ही अच्छे फ्रेंड प्लांट हैं ये। स्टार्ट होते हैं ये सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं और ये मार्च तक आपके प्लांट आपको फूल देते रहेंगे। फ्रेंड, बहुत ही अच्छे प्लांट हैं और सीजनली हैं प्लांट फ्रेंड, और आप एक बार लगा लेंगे तो इसको कई साल तक आप इसे कटिंग से एक ही प्लांट से ग्रो कर सकते हैं, कई प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड। तो आज आपको मैं इन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा रख रखाव के बारे में, उनको कैसी मिट्टी चाहिए, कब का पानी चाहिए, कैसी जगह रखना है फ्रेंड। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड, ये गुलदावरी है, तो ये क्या है, ये अभी ये मार्च तक बहुत अच्छी आपकी फ्लावरिंग करेगी, अप्रैल तक करती है फ्रेंड। उसके बाद जो मई जून का महीना होता है उसमें ये प्लांट फ्लावरिंग अपना बंद कर देती है। तो आपको इसकी जो मिट्टी होती है फ्रेंड, अभी जैसे हमने मिट्टी बनाई है इसकी, आपको पता है कि हमेशा जब मिट्टी बनाते हैं तो क्योंकि मैं तो ये टेरेस पर रखती हूँ तो मैं बहुत ही लाइट मिट्टी बनाती हूँ। मैं 60% कोकोपीट रखती हूँ और 40% मिट्टी का वो इसमें मिक्सर बनाती हूँ फ्रेंड। उसमें अभी 20% मैं थोड़ी सी खाद लेती हूँ और 20% मेरी मिट्टी रहती है। बहुत लाइट वेट होता है मेरे गमलों का, क्योंकि मेरे सारे प्लांट जो हैं टेरेस पर रखे हुए हैं, इसलिए मैं इनमें लाइट ही मिट्टी का यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा 60% जो है कोकोपीट है, 20% मेरी अपनी गार्डन की मिट्टी है, 20% मेरा बर्मी कंपोस्ट का, ठीक है। तो इसमें मैं इसका मिक्सर बनाती हूँ, और जो मेरे सीजनल प्लांट हैं फ्रेंड, मैं आपको जितने मेरे सीजनल प्लांट मिलेंगे सभी आपको मेरे इसी मिक्सर में लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं यही मैं बना के रखती हूँ, एक साथ बनाती हूँ, मैं बना के रख लेती हूँ। मैं बार बार कोई भी के लिए खाद नहीं बनाती हूँ, मैं एक साथ ही बनाती हूँ, और जैसे प्लांट मुझे मिलते रहते हैं मैं वैसे ही लगाती रहती हूँ। तो छोटे छोटे से जैसे सीडलिंग करती हूँ, उसके बाद फ्रेंड मैं सीडलिंग फ्रेंड बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या होता है, सीडलिंग मेरी होती तो है, बाई चांस के बंदर बहुत आते हैं यहाँ पर ऊपर, तो हमारे जैसे तो ऐसे एकदम से वो ख़राब कर देते हैं, सारी सीडलिंग हमारी ख़राब हो जाती है, और थोड़ा सा कभी कभी कहीं जाना पड़ जाता है तो पानी वगैरह देने में, तो इतनी सीडलिंग मेरी बहुत, जो मुझे लगता है कि हार्डली प्लांट है मैं उन्हीं की सीडलिंग करती हूँ। तो फ्रेंड ये क्या होता है, मेरे पिछले लास्ट ईयर के सारे प्लांट हैं मेरे, ये मैंने इनकी जो एक एक, क्योंकि बहुत सारे गमले थे, 10-10, 15-15 गमले लगाते हैं हम इनके प्लांटों के, तो मैंने एक एक प्लांट एक एक कलर का सभी गमला बचा लिया था फ्रेंड। फिर ये इसके बाद अप्रैल के बाद इसके मई में मैंने इनको एक जगह ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर शेड है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, छाया में रखे हुए हैं, पानी इनमें मैं डालती रहती थी, रेगुलर वाटरिंग तो नहीं करते हैं, जैसे 4 दिन में 5 दिन में पानी मैंने इसमें डाल दिया, और ऊपर से फ्रेंड इनको क्या रख दिया, सूख गए सारे फूल, सारे सूख गए, मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद ये बरसात के बाद ये इसमें बहुत सारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी आपकी, बहुत सारे एक पेड़ से नीचे से बहुत सारे स्प्राउट निकलेंगे, तो मैं उस टाइम पे किसी कटिंग कर देती हूँ, कटिंग करके इनकी कटिंग में एक जगह एक ही गमले में बहुत सारी कटिंग लगा देती हूँ, मैं बहुत सारी कटिंग लगा देती हूँ, बड़ा गमला होता है उसमें लगा देते हैं कि ये इसकी कटिंग है, क्योंकि फ्रेंड मैंने इस बार ना सारी मिक्स लगा दी थी, मुझे पता नहीं था कौन से गमले में कौन सी कटिंग है, मैंने एक साथ ही लगा दी थी, तो मैंने 25-30 कटिंग लगाई थी, तो जिसमें मेरी 15-16 कटिंग सक्सेस हुई हैं और कुछ खराब हो गई। फ्रेंड होता ही है, ऐसा नहीं है कि जो हम चीज़ पूरी लगाते हैं तो पूरी सही होती है, तो आधी मेरी कटिंग खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने 10-12 गमले हैं मैंने इसको तैयार करिए और मैंने कुछ कटिंग अपने पड़ोसियों को भी दे दी। उसके बाद फ्रेंड स्कोर क्या हुआ, मैंने इनकी कटिंग लगाई, देखी फ्रेंड फूल आप देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं, कलर मेरे पास मैंने इसलिए एक ही कलर रखा था, डार्क मर्जी बिल्कुल डार्क मेहरून है, वाइट है और पिंक है एंड ऑरेंज है, ठीक है, और ऊपर मेरे अभी कलर खिले नहीं है, मुझे याद नहीं, येलो भी है मेरे पास मगर मुझे उसका पता नहीं है कि वो मर गया है कि हुआ है, ठीक है, जब अगर खिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड इसमें क्या होता है, ये सीजनल होते हैं, अगर सीजनल प्लांट फ्लावर देते हैं तो इसमें क्या जो हैवी फीडर होते हैं इनको खाना ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि फ्रेंड ये तो अभी प्लांट है, आपको क्या दे रहे हैं, ये कुछ चीज़ दे रहे हैं आपको, फूल जो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं फूलों को लाने में, ठीक है, तो इनको खाना भी अच्छा देना होता है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, जैसे फ्लावरिंग सॉरी ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, बरसात के बाद आप इनको उसके बरसात में कटिंग लगा देते हैं और इसको सितंबर में आप अपने
प्लांट जिससे आपको गमले में लगाना है उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। सितंबर में इसकी छोटी छोटी जो कटिंग हमने तैयार की है आप अपने लगा जितने आपको गमले बनाने उसमें लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सितंबर अक्टूबर तक आपकी अच्छी सी ये प्लांट तैयार हो जाएंगे, फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपसे क्या करना है, फर्स्ट आपको इसमें जो देनी है हल्के आप DAP के 2-2 दाने डाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप इसमें जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली होती है पहले से उनको देना होता है, ये नहीं होते जब वो फ्लावर दे रहे तभी इनको खाद देना, उनसे पहले भी इनको देना होता है, ठीक है। थोड़ी सी अगर नहीं है आपके पास पर बर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, थोड़े DAP के दाना डाल सकते हैं 2-2, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2-2 4-4 दाने डाल सकते हैं आप। और जो मैंने आपको मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र बताया है वो आप यूज़ कीजिए इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है और फ्लावरिंग के जितने प्लांट हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। बनाना पील फर्टिलाइज़र है वो भी बताया है मैंने आपको, वो दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है और मैं देती हूँ फ्रेंड। और मैंने हर अपने गमले में दिए हैं, देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, हर प्लांट मेरा हर इतने ऐसा नहीं है कोई भी टहनी में बर्ड्स नहीं बने हैं, फ्लावर नहीं हुई है, पूरा गमला भर के आया। तो आप इसमें जब तक इनका फ्लावर प्लांट का पीरियड होता है आप इसमें 15 दिन में जैसे 20 दिन में आप इनको एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर आधा आधा ग्लास दे दीजिए फ्रेंड। सभी में देना फर्टिलाइजर तभी देना होता है फ्रेंड जब इसकी मिट्टी सूख जाए। आप यार एक बात याद रखना, अगर कोई भी खाद देते हैं किसी भी तरह की तो जब तक मत दीजिए तक इस गमलों की मिट्टी गीली है, क्योंकि इसमें अगर आप दे देंगे तो इसमें फंगस लग जाएगा। जब गमलों की मिट्टी सूख जाए बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी आपको फर्टिलाइज़र देना है, ठीक है। और पानी इनमें सर्दियों के फ्रेंड इनको क्या होता है, ये फुल धूप चाहिए इनको, धूप में बहुत अच्छे खिलते हैं, आपको पता है हर फ्लावर प्लांट जो भी है वो धूप मांगता है फ्रेंड, पूरी पूरी धूप चाहिए इनको अच्छी खिलने के लिए, ठीक है। और पानी इनको बहुत ही कम देना है, आप लगातार पानी नहीं दे सकते, गर्मी के सीजन जैसे हम देते हैं रोज़ वाटरिंग करते हैं ऐसा नहीं है, जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आप पानी दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो, क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो फ्रेंड मैं पानी बहुत ही कम डालती हूँ। डालती क्या हूँ मैं इनमें 20 दिन में जैसे पानी तो मैं इसको 4-5 दिन डालती हूँ, इसको जो मिस्टिंग करनी होती है ना शावर से मैं पानी की वो इसकी मैं 2-3 दिन बाद इसकी रोज करती हूँ फ्रेंड, हल्का सा इसको मिस्टिंग शावर दे देती हूँ पानी का मैं, तो इसमें पानी डालने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोकोपीट होती है जो अपने अंदर पानी होल्ड करके रखती है, अगर आप 10 दिन पानी ना देंगे तो अभी कोकोपीट गीला ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने इतनी कोकोपीट यूज़ की है इसमें तो मुझे इतनी जल्दी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड आप भी क्योंकि जब आपने टेरेस पर रखे हुए हैं तो उसकी बहुत मिट्टी बहुत लाइट बनाइए, बहुत हल्की बनाइए, ठीक है। अगर आपको नीचे भी रखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट जो भी है काउडंग गोबर की खाद होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ खाद नहीं है तो आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद जो बहुत पुरानी खाद होती है वो आप अपने प्लांटों को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इनको फुल धूप चाहिए, पूरी धूप में रखिए फ्रेंड और बहुत ही अच्छे हैं। और 20 दिन में आप एक बार इसको फर्टिलाइजर ज़रूर करिएगा और आपको देखना मार्च अप्रैल तक बिल्कुल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ये। अप्रैल में जब ये सूख जाए फ्रेंड तो आप एक जगह इनको छाया में रख दीजिए, पानी इनको 4-5 दिन बाद देते रहिए सूखने ना पाए। और जब ये नीचे से बहुत सारी ग्रोथ स्टार्ट होगी बरसात के सीजन में तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, सितंबर में इसकी कटिंग लगा दीजिए। बरसात के सीजन में इसकी कटिंग आप काट करके हर प्लांट कहीं भी लगा सकते हैं, या एक में लगा सकते हैं या अलग अलग उसमें लगा दें तो आपकी अक्टूबर तक ये तैयार हो जाएंगे प्लांट, ठीक है। अक्टूबर नवंबर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे फ्रेंड ये, क्योंकि गुलदावरी फूलों का गुलाब जैसे गुलाब कहा जाता है ना, गुलाब तो पूरा सीजन का है, पूरा 12 मास खिलता है, ठीक है। गुलाब फूलों को राजा कहा जाता है, इसलिए सीजनल के टाइम पे गुलदावरी को ही फूलों की रानी या राजा कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड ये एक ऐसा प्लांट है जो स्टार्टिंग से के लास्ट तक फ्लावर करता है, ठीक है। और अगर ये अप्रैल तक भी फ्लावरिंग देता है, क्योंकि ऐसे एक हार्डी प्लांट है ये, और जो पिंटूरियास हैं बहुत सारे फ्लावर प्लांट हैं जो सीजनल हैं वो थोड़ा सा होता है टाइमिंग के अनुसार ही फ्लावरिंग करते हैं, मगर फ्रेंड जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको आप फर्टिलाइजर ज़रूर दें, क्योंकि जब वो हमें फूल देते हैं तो पूरी एनर्जी हमें फूल देने में लगा देते हैं, तो ये हैवी फीडर होते हैं फ्रेंड, इनको खाना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इनका आप खाना जो अच्छी मिट्टी है सही बनाइए, पानी इनको टाइम पर देना है 2-3 दिन बाद देना है जब मिट्टी सूख जाए, फुल धूप में रखिए फ्रेंड। और
अगर आपके नहीं है तो नर्सरी से भी 10 रुपये की जो छोटे छोटे से आते हैं इसके प्लांट, छोटे जो स्टार्टिंग में 10 रुपये की मिलती है, आप लगाएंगे तो आपकी तब भी आपके अक्टूबर तक आप कोई प्लांट तैयार हो जाएगा आपका, और नवंबर में आपको फ्लावरिंग अक्टूबर में देने लगेंगे ये। तो बहुत सारे नर्सरी में अभी आ रहे हैं फ्रेंड। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जो है थोड़ी बड़ी वैरायटी, एक ड्रॉप वैरायटी आती है बहुत छोटे फ्रेंड, वो छोटी होती है, पूरा सब गमला भरा होता है, बहुत ज़्यादा घनी होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, इसमें हजारों फूल आते हैं अनगिनत। वो थोड़ी सी महंगी वैरायटी होती है, वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं नर्सरी जाऊँगी तो मैं एक लेके आऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, उसकी कटिंग रखूँगी, और वो बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत छोटे हाइट में होते हैं, और 5-6 इंच में ही बहुत सारे फ्लावरिंग भर भर के आती है उसमें। थोड़ा कॉस्टली भी मिलते हैं, 50-60 के रेंज में आते हैं, और अगर वो मैं लेके आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो किस तरह से होते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर फ्रेंड इतने हैं, इसके कलर की हमें मुझे भी नहीं पता इस कितने सारे कलर हैं, शायद इसके 130 या 150 इसमें वैरायटी में आती है ये गुलदावदी। हाइब्रिड में भी है, जो देसी में भी है, सभी तरह में आती है, और ड्रॉप वैरायटी में भी आ रही है, और बहुत ही अच्छी फ्लावर प्लांट है ये। और फ्रेंड इसको आपने देखा होगा शादियों में यूज़ करते हैं, मंडपों सजाते हैं, बुक्के में लगाते हैं, तो ये एक ऐसा प्लांट है, फूलों की रानी कहा गया है इसको सीजनल के लिए, और सच्ची कहा है, क्योंकि ये फूलों की रानी है, और ये एक बार फूल खिलते हैं और महीने भर खिले रहते हैं इन मरने। और मेरे ये देखिए बहुत, इस वाले प्लांट में बहुत टाइम से फूल खिले हुए हैं फ्रेंड, अब इनको हो गया करीब 25 दिन तो हो गए हैं, फूलों में किसी तरह के कोई भी कलर गंदा या ऐसे नहीं लग रहे मुरझाए हुए, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि अभी खिले हुए हैं, इसलिए शायद इनको फूलों का रानी कहा गया सीजनल के लिए फ्रेंड। नाम बहुत अच्छा दिया गया है, देना भी चाहिए, बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है ये। जब एक बार लगाएंगे, अगर आप इसको लगा लेंगे और अपने लॉन में सजाएंगे वन बाय वन, कलर बाय कलर, तो देखना आप के पड़ोस भी आपको पूछेंगे कहाँ से लिया है प्लांट, अगर इसका कोई हो तो हमें भी देना, बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड आप इसे लगाइए, और गुलदावदी अभी भी नर्सरी मिल रही है, लेके आइए और अपने घर को सुंदर बनाइए, फूलों से भरा हुआ फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो, आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।